लोग देख सकते हैं। देव नदी है और ये जानते ही है आप कितने सालों से। हे दोस्तों, जय जगन्नाथ, जय उड़ीसा। तो कल मैं एक्चुअली घूम फिर के भैया के पास ही था और ये हमारे भैया है, तो भैया के संग था। भैया के संग एक्चुअली कहीं घूम नहीं पाया। राजीव और मैं घूमने के लिए चले गए थे। तो जब मैं अगरतला से वापस आऊंगा फिर हम और भैया का कुछ प्लानिंग है, मेरा और भैया का, तो फिर घूमने के लिए निकलेंगे। तो भैया से अब ले लेते हैं विदाई। थैंक यू भैया, और फिर जब मैं आऊंगा ना आपको कॉल करूंगा। भाभी वहां है, भाभी एक्चुअली शर्मिली है नहीं, लेकिन भाभी अभी शर्मा रही है। तो राजीव तैयार है बाइक लेके, तो अब हम लोग निकलते हैं। पास में यहाँ पे एक आश्रम है, उस जगह पहले जाएंगे। तो दोस्तों, भैया के घर से निकल के अभी हम लोग आए हैं रामकृष्ण मिशन पे, और यहाँ पे एक्चुअली ये चिल्ड्रन होम है कुमार घाट का। तो ये जगह के बारे में मैं बहुत सुना हुआ था, तो अंदर चलते हैं और ये जगह को देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या होता है ये भी जानने का कोशिश करते हैं। तो ये है स्वामी विवेकानंद का प्रतिमा, और अब चलते हैं अंदर। और ये प्रतिमा को तो आप लोग जानते ही हैं, ये है महात्मा गांधी जी। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये है रामकृष्ण परमहंस जी। यहाँ पे उनका पूजा होता है और आप तो उन्हें अच्छी तरीके से जानते ही हैं। देख सकते हैं ये यहाँ का डेली रूटीन है और यहाँ पे क्या क्या होता है यहाँ पे दिया गया है। काफी बड़ा जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पे कम से कम 50 बच्चे यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे उनका शिक्षा, खाना, रहना, कपड़े, सारी चीजों का यहाँ पे सुविधा उनको दी गई है। तो आइए और यहाँ पे कुछ यहाँ के बारे में कुछ जानने का कोशिश करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम है सजल कांति देव। सर हमें इस रामकृष्ण मिशन आश्रम के बारे में आप कुछ बताएंगे? अच्छा, ये रामकृष्ण वेदांत मोड कोलकाता का एक ब्रांच है, रामकृष्ण वेदानंद मिशन कुमार घाट ब्रांच जी। तो इसका जो मतलब है वो जो हमारी जो रिलीजियस मेंटेलिटी उसको डेवलप करना, उसके बाद उसको मिशन में इसको ट्रांसफर करना। जो लोग यहाँ पे जो बच्चा है हमारी 50 बच्चा है और ऑर्फन हाउस है जी, हम बच्चे को देखभाल करते हैं, खाना पीना सब कुछ, और बाद में इस बच्चा को हम एस्टेब्लिश करने में भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे सर किस तरीके के बच्चे आते हैं या आप लोग लेके आते हैं? नहीं, वो तो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बच्चा है। अच्छा अच्छा, ये गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड होते हैं। चाइल्ड लाइन जिस बच्चा को CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने उपस्थापन करते हैं वो लोग हमारी वहाँ पे बच्चा भेजता है। जितना बच्चा है सब बच्चा डिस्टर्ब चाइल्ड है, किसी ना किसी तरह की डिस्टर्बेंस उसका लाइफ में है। किसी का बाप नहीं है, किसी का माँ नहीं है, किसी का पापा ड्रिंक करता है, किसी का पापा मम्मी नहीं है, माँ पिटाई करता है, किसी तरह की अगर किसी चाइल्ड का डिस्टर्ब होता है तो उसका कंप्लेन 1098 पे किया जाता है। चाइल्ड लाइन इसको इंक्वायरी करके CWC फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एक टीम 5 मेंबर का, ऑल आर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उनके सामने ले जाता है। तो उन्होंने ये डिसीजन लेता है ये बच्चा को क्या किया जाए। सर आपका जो यहाँ पे जो आश्रम है कुमार घाट में, ये कितने सालों से है? ये तो 22 साल हो गया। 22 साल हो गया, तो 22 साल से आप सर यहीं पे हैं? हाँ, यहाँ पे है। तो यहाँ का इंचार्ज सर आप हैं? हम हैं, और जो हूम है उसका अलग इंचार्ज है जी। जी, मिशन एक्टिविटी जो है हम कमेटी का है जी, और मिशन का बाहर हमारी जो हूम है जी, उसके लिए अलग स्टाफ है हमारे। सर आपके फाउंडेशन के बारे में कुछ बोलेंगे? वो तो एक्चुअली रामकृष्ण अभेदानंद की जो कोलिग थे उनके में सबसे ज्यादा फेमस है स्वामी विवेकानंद जी, जी। स्वामी अभेदानंद जी उनके सबसे बड़े शिक्षक थे वो
स्टूडेंट जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी थे? नहीं, वो जो रामकृष्ण का सबसे बड़े सबसे बड़े शिष्य, हाँ, उसका नाम से ही जो रामकृष्ण मिशन, हाँ, 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 फेमस हुआ वो ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में, हाँ। तो उसका साथ और एक भी था, रामकृष्ण अभेदानंद जी, जी जी रामकृष्ण मतलब अभेदानंद महाराज जी, तो उन्होंने वेदांत प्रचार के लिए एक सोसाइटी क्रिएट किया, उसका ब्रांच है ये, कोलकाता में इसका हेड ऑफिस है। तो सर यहाँ पे बच्चों को किस तरीके का खाना दिया जाता है? ये तो 3 दिन उसको अंडा मिलता है जी, जी, एक दिन मीट मिलता है जी, एक दिन फिश मिलता है जी, एक दिन वेजिटेबल का। और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई हर चीज इन लोगों की होता है? उसका सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं है, उसका आर्ट सिखाया जाता है, उसका युवा सिखाया जाता है। तो यहाँ पे सर बच्चों को कितने साल तक ट्रेनिंग दिया जाता है? 18 साल तक, 18 मैच्योरिटी का नाम है। अच्छा, उनकी पढ़ाई भी तब तक कंप्लीट हो जाती है। तो फिर यहाँ से 18 साल के बाद कोई जॉब दिया जाता है या कुछ और फैसिलिटी? हम कोशिश करता है किसी का काम उसको मिल जाए, नहीं तो उनको बिजनेस कुछ जो करना चाहता है उस तरह के उसको डिप्लॉय करा दिया जाता है, कुछ हेल्प भी हम करता है 50,000-60,000 रुपया दे के, उसको हमारी कोशिश रहता है वो कुछ काम। तो सर इसका गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कोई सहायता मिलता है या फिर? गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होम है जी, और 65 रुपीज पर हेड पार्ट डे दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से। थैंक यू सो मच सर ये जानकारी के लिए। थैंक यू आप लोग। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन ही नहीं होता है, यहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल है बच्चों के लिए, और यहाँ पे उनको मतलब किसी भी चीज़ की कोई असुविधा ना हो, या कोई तबीयत खराब हो गया, कोई इमरजेंसी हो गया, यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। तो चलिए आइए यहाँ के डॉक्टर से थोड़ी बात करते हैं और कुछ जानने का कोशिश करते हैं। नमस्ते मैम। मैम आपका नाम? डॉक्टर मोशन भट्टाचार्य। मैम आप कितने सालों से यहाँ पे हैं? मैं अभी यहाँ पे 7 to 8 months हो गया। तो मैम आप कहाँ से हैं? यहाँ से कुमारघाट से। मैम आप कुछ बताना चाहेंगे मेडिकल के बारे में, ये बच्चों को किस किस तरीके का मतलब तबियत खराब होने से आप लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं? हाँ, यहाँ पे होम्योपैथी और एलोपैथी जी, दोनों मेडिसिन ही अवेलेबल है जो गवर्नमेंट से हम लोग को सप्लाई करते हैं। तो उसके मैं जैसे होम्योपैथी डॉक्टर हूँ जी, तो होम्योपैथी डिपार्टमेंट को मैं देखती हूँ, और हमारे पास डीएम को एक लेटर लिखा हुआ है जो डीएम प्रोवाइड करते हैं हमको एक एलोपैथी डॉक्टर, जो कैंपिंग के द्वारा हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं उन लोगों का हेल्थ चेकअप करते हैं। तो मैम मान लीजिए बच्चे को कुछ ज़्यादा कुछ हो गया या सीरियस कंडीशन कुछ, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? तो हम हॉस्पिटल पे उनको लेके जाना होता है हमें, ये हमारा प्रोटोकॉल है। पहले तो हम यहाँ पे प्राइमरी जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है वो मैं देख लेती हूँ, उसके बाद अगर वो इमरजेंसी हुआ तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच मैम जानकारी के लिए। तो हे दोस्तों आप लोगों ने अभी देखा, डॉक्टर से भी मिला, तो यहाँ पे जो बच्चे लोग रहते हैं ना पूरा सेफ है, और इन लोगों की यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई असुविधाएं नहीं होती है। तो यहाँ तो मैंने बहुत सुन रखा है, यहाँ पे इनका खुद का गार्डन भी है जो यहाँ पे सब्जी वगैरह ये लोग खुद उगाते हैं। तो चलिए चलते हैं और गार्डन भी देख लेते हैं। सर आपका नाम? सुदीप चक्रवर्ती। सर आपका? बापलूपाल। आपका? तो आप लोग सब यहीं पे ही काम करते हैं? नहीं, तो चलिए सर गार्डन देखते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, ये बैगन का पेड़ है और काफी संभल के चलना पड़ेगा मुझे। ओह ये जो पेड़ आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, ये वाला ये मूली का पेड़ है, और यहाँ पे टमाटर भी, तो कुछ कुछ जगह तो मूली हुआ है और अभी टमाटर वगैरह हुआ नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। तो उस तरफ देखते हैं, आलू निकाला हुआ है। तो इससे पहले भी मैंने आपको अपने एक वीडियो में दिखाया था आलू, और यहाँ पे मिर्चा का भी पेड़ है, और ये देखिए दोस्तों कितने सारे आलू निकाले हुए हैं। लगभग निकल गया है आलू, वरना मैं भी आपको निकाल के जरूर दिखाता। और ये देखिए मूली दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मूली अभी तक ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है, वरना मैं खुद ही आपको निकाल के दिखाता। तो यहाँ पे बहुत सारा चीजों का खेती होती है, और ये देखिए ये फल अभी ये बड़ा हुआ नहीं है, और ये है केले का पेड़, ये बैगन का पेड़ है, और थोड़े बहुत बैगन हुआ भी है, अंदर की तरफ है बैगन। तो दोस्तों वो आप देख सकते हैं, ये पत्ता गोभी है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है, और वो तो साग का पेड़ है, और ये प्याज का भी। तो यहाँ पे कई तरीके का सब्जियां उगाई जाती है। आप लोग देख रहे थे ये गार्डन, यहाँ पे बहुत तरीके का सब्जी उगाई जाती है, और ये देखिए ये इस गार्डन का ही ये आलू है।
ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और यहाँ पे पूरा ताजा प्योर सब्जी उगा के ये लोग खाते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है। और दोस्तों पीछे के ऊपर की तरफ ना नारियल का पेड़ है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों का सब्जी उगाई जाती है। गार्डन तो बहुत अच्छा है और ये आश्रम भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को रखा गया है। मैंने पूरा चक्कर लगाया और डॉक्टर भी अवेलेबल है, हर काम पूरे प्रोसेस से पूरा सही तरीके से ये लोग करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रामकृष्ण मिशन का ये आश्रम। अब चलते हैं यहाँ से किसी और लोकेशन की तरफ और आज बहुत सारे जगह घूमना भी है। दो नदियों की संगम है, एक है देव नदी एक है मनु नदी, तो ये पूरे त्रिपुरा में इसी जगह पे दिखता है। तो ये दो नदियों का संगम देखने के लिए मैं भी आया हूँ। इससे पहले मैंने ऐसा कभी कोई देखा नहीं है कि दो नदी एक साथ आके मिल रहा है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला देव नदी है और उस तरफ का जो है ना ये मनु नदी है। ये दोनों नदियों का पानी ना एक तरफ से आके ना इस तरफ चले जा रहा है बहते हुए, और ये नदी का संगम सिर्फ यही देखने के लिए मिलता है त्रिपुरा के इस जगह पे। तो अभी मैं नदी के ठीक पास में ही हूँ और ये जो नदियां होती है हमारे भारतवर्ष में, ये जीवन का धारा होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों राजीव ने मेरे को बाइक से ड्रॉप कर दिया नेताजी स्टेचू के पास, फिर अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ शिव मंदिर। तो शिव मंदिर यहाँ पे मैं गया नहीं हूँ, बाकी सारे जगह तो घूम लिया लेकिन शिव मंदिर ही बाकी है। है दोस्तों शिव मंदिर के मैं निकला ही था कि देखो ब्रिजुल आ गया है। ब्रिदुल, ये ब्रिदुल है और अपना ये बाइक लेके आ गया है और अब मेरे को ये शिव मंदिर की तरफ लेके जाएगा। तो एक काम करते हैं, दोनों साथ में जाते हैं और दोनों एक साथ आज घूमते हैं मंदिर। तो दोस्तों बाइक राइड के संग मैं और मृदुल आ गए हैं शिव दुर्गा। तो ये जो टेम्पल है ना आज घूमने के लिए, इस टेम्पल का नाम है शिव दुर्गा और ये ठीक मेरे आगे की तरफ है ये देखो। तो अभी चलते हैं अंदर। भगवान जी का मेरा दर्शन हो गया और दर्शन पाके मन को बहुत शांति मिला है। तो इस मंदिर में कुछ देर बैठते हैं फिर यहाँ से रवाना लेंगे। बाबा जी का दर्शन हो गया, साथ में माता जी का और बजरंग बली भी थे। तो यहाँ पे मैंने काफी वक्त गुजारा बैठा, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ से निकलता हूँ किसी और जगह। तो दोस्तों ये भगवान बुद्ध का मंदिर है और मैं इससे पहले कभी भगवान बुद्ध के मंदिर गया नहीं, लेकिन आज जाता हूँ और भगवान बुद्ध का दर्शन करता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये गौतम बुद्ध है और यहाँ पे उसके साथ साथ काफी सारे छोटे बुद्धास भी हैं। गौतम बुद्ध का दर्शन होगा ये तो मैं सोचा नहीं था, लेकिन भगवान बुद्ध का भी दर्शन मुझे मिल गया। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। इससे पहले मैं कभी किसी भगवान बुद्ध के मंदिर कभी गया तो नहीं, लेकिन यहाँ त्रिपुरा में मेरे को पहली बार भगवान बुद्ध का दर्शन मिला है। क्या है खाने के लिए? ठीक है, रोटी सब्जी खिलाइए। तो यहाँ पे मैं सोचा कुछ खा लेता हूँ। ये हमारे छोटे से जूनियर है, नाश्ता कर रहे हैं, और ये सिस्टर की होटल है। ये है बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा ये होटल है।
होटल और दुकान भी बोल सकते हैं और होटल भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा जगह लग रहा है। तो अभी ये रोटी सब्जी है, खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। खाना मैंने खा लिया है और अभी मेरे को यहाँ पे एक भाई मिला है, भाई का नाम है रिकेन। तो रिकेन अपना गांव घुमाएगा मुझे अभी। और एक्चुअली ना इंटरेस्टिंग बात क्या, देखिए मैं यहाँ पे आया था शिव मंदिर घूमने के लिए और ये गांव का नाम ही है शिव मंदिर। ये गांव का दो नामों से पहचानते हैं, एक शिव मंदिर और एक बुद्ध मंदिर। तो अभी हम लोग शिव मंदिर को घूम लेंगे, मतलब शिव मंदिर गाँव को घूम लेंगे। नीतू चकमा आपका, और आप? हाँ, घूम रहे हो, हम लोग भी घूमने। तो गांव में ये दुकान और बाजार है, बहुत सारी सब्जियां भी आप लोग देख रहे हैं। हे दोस्तों, ये गांव में आया था और ये देखिए ये जो ट्रेन लाइन है ना, ये यहाँ से होते हुए इस रास्ते की तरफ जाता है आगरतला। तो हमें ये पटरी पकड़ते हुए नहीं जाना है। वहां पे जो हम लोग जिस गांव में थे वो था शिव मंदिर, और अभी वो रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद ये गांव का नाम होता है बासबागान। तो अभी इस गांव के स्कूल में आए हैं, इस स्कूल का नाम है होरिजन कॉलोनी स्कूल। स्कूल तो अभी बंद है और ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है, अच्छा खासा बड़ा है और यहाँ पे लड़के लोग वॉलीबॉल वगैरह भी खेलते हैं। तो आप लोगों को भी एक बार दिखाते हैं ये स्कूल। स्कूल बहुत ही अच्छा, यहाँ पे चित्रकला बनाया गया है। स्कूल तो अभी बंद है और वरना किसी स्टाफ से बात करते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल सर से मुलाकात हुआ है, चलिए उनसे थोड़ा बातें कर लेते हैं और स्कूल के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। सर हैं स्कूल के, सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम है देवाशीष चकमा। और सर ये स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का नाम है हरिजन कॉलोनी, हरिजन कॉलोनी जूनियर बेसिक स्कूल। तो सर यहाँ पे कितने क्लास से कितने क्लास तक बच्चे लोग पढ़ते हैं? क्लास 1 से 5 तक। 1 से 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। तो सर ये गवर्नमेंट स्कूल है? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल है। तो सर ये मतलब आज छुट्टी है या स्कूल का टाइमिंग क्या है सर? टाइम 8 AM से 1 PM। 8 to 1 से 1 PM, अच्छा इसीलिए अभी तक छुट्टी हो गया है। तो सर आपके स्कूल में कितने स्टाफ है? स्टाफ तीन स्टाफ मिलकर पढ़ाते हैं। हाँ, तो कोई लेडी स्टाफ है? हाँ, एक लेडी स्टाफ है। हाँ, दो जेंट्स स्टाफ है। हाँ, तो सर आपके स्कूल में ऐसे बच्चों को खाना वगैरह दिया जाता है? हाँ, हाँ, दिया जाता है। जैसे वो मिड डे मील होता है? MDA, MDA, अच्छा सर। तो सर सरकार की तरफ से आप लोगों को पूरी मदद मिलती है स्कूल में? पूरी मदद मिलती। तो सर आप कुछ कहना चाहते हैं स्कूल की तरफ से, या आप लोगों को कुछ और चाहिए सरकार को? जो मिल रहे हो तो सही मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। वो बच्चे लोगों के लिए जो वो फ्री किताबें मिलता है इस साल में, और अभी अभी वो अगले महीने में फ्री बैग भी दिया। MDM भी स्मूथली चल तो रहा है, सब कुछ की कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम तो है, वो हम ऑफिस में थोड़ा लिख के दिया था जी, जो हमारा बाउंड्री वॉल के लिए। अच्छा अच्छा, बाउंड्री वॉल के लिए। हाँ, वो थोड़ा वो पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व होने से अच्छा होता जी। और ये बाउंड्री वॉल नहीं है ना जी, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जी, क्योंकि बाहर का आदमी आता है रात में, ऐसा ऐसा। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। तो दोस्तों अभी आप लोग प्रिंसिपल सर से आप लोग बात करते स्कूल के बारे में। मेरा भी सरकार से अनुरोध है कि स्कूल की थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं हैं, आपके लिए तो छोटी मोटी समस्या है लेकिन स्कूल के लिए ये थोड़ी बड़ी समस्या है। तो प्लीज़ आप ये काम कर दें, एक बाउंड्री वॉल लगा दें और यहाँ पे बच्चों के लिए पानी का सुविधा कर दें, और बाथरूम वगैरह तो यहाँ पे है लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से कर दें। बस आप लोगों से इतना ही और अनुरोध है। तो देख सकते हैं बड़ा खतरनाक लग रहा है, सिंह तो नहीं है लेकिन फिर भी यार ताकत तो बहुत है इसके पास, मारेगा तो चोट लगेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क के अंदर, और ये चिल्ड्रन पार्क है यहाँ का, तो इसका पूरा नाम है इको किड्स पार्क। आओगे तो इस पार्क में आपको ये झूला मिलेगा जो हर पार्क में होता है, और ये बच्चों के लिए झूला है। तो यार अभी हम भी तो बच्चे ही हैं, और वैसे इस पार्क में वैसा कुछ है नहीं, बस आप अंदर आके घूम फिर सकते हो। मैं तो आप लोगों को पता है पार्क में घूमने के लिए आया हूँ, और यहाँ पे बैठ कर थोड़ा आराम ही कर रहा था कि मेरे को यहाँ पे कुछ दोस्त लोग मिल गए। तो ये देखिए ये लोग मेरे कुछ, आपका नाम? राजदीप। इसका नाम राजदीप है, और आपका? आबेल। आबेल और राजदीप मेरे साथ है, और आपका? सुष्मिता।
सुष्मिता कितनी क्यूट है सुष्मिता। सुष्मिता आप पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। वाह अच्छा, और एक हमारी क्यूट देखो सरवारी है कितना। अपना नाम बताओ? शानिया। वाओ यार ये सानिया है, कितनी क्यूट है। ओ आपका बेस्ट फ्रेंड है? नहीं तो इसका बेस्ट फ्रेंड है। तो है गाइस पार्क में बैठा था और हमें बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे ये दोस्त लोग मिल गए। हाय बोलो। हाय। ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। अच्छा आप दोनों फिर दोस्त हो? नहीं हाँ। तो हे दोस्तों या हाँ। तो हाँ ये छोटी देखो जाते वक्त बोल रही है बोलो कि आपका फ्रेंड हूँ मैं। हाँ वो मेरी फ्रेंड है और ये लोग भी आज से मेरा फ्रेंड है। तो है दोस्तों पार्क में मैं और कुछ देर तक रुकूंगा फिर यहाँ से निकलूंगा। तो पार्क से मैं निकल आया दोस्तों। बच्चों का पार्क है यार, हम लोगों का वैसे भी कुछ काम नहीं है वहाँ पे। काफी छोटा सा बहुत सिंपल सा पार्क है लेकिन आपको यदि टाइम पास करना हो बैठना हो तो बहुत पीसफुल जगह है, आप भी अंदर जा सकते हैं। तो अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ भैया के पास। वो भैया से अभी तक आप लोगों को ठीक से मिलवाया नहीं हूँ तो भैया से थोड़ा मिल लेते हैं फिर आज सोने के लिए चले जाएंगे क्योंकि आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। भैया से बोला था ना बहुत दिनों से मिला नहीं था पता नहीं, और भैया भी मिलने के लिए नहीं आते इसीलिए मैंने आपको बोला ना चल के भैया से मिलते हैं। तो यही भैया जब मैं यहाँ पे फर्स्ट डे आया था ना इन्हीं से मुलाकात हुआ था भैया के साथ। तो भैया कैसे हैं? दो तीन दिन से मुलाकात नहीं हुआ ना तो मैं बोला था यार भैया क्या हुआ दिख नहीं रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों भैया से मेरा मुलाकात हो गया। तो है गाइस मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स पे लिखिए यार, और बताइए आप लोगों को और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखनी हो तो मैं आप लोगों का जरूर दिखाने का कोशिश करूंगा। तो मेरे चैनल को यूं ही सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे कल एक नए दिन के संग। तो टाटा बाय बाय और गुड नाइट।